प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 समाज विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 3 अवबाह तंत्र, इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने YouTube के माध्यम से समझ लिया है। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप इन प्रश्नों के आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखें, ठीक है। आइए देखते हैं हम अब्बाह तंत्र पाठ 3। तो इसका पहला प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है, बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बूलर झील कहाँ है? तो बूलर झील आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये इसका पहला प्रश्न हो गया। अगला है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक नामक पहाड़ी से ये निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवणीय झील यानी खारे पानी की झील। तो कौन सी झील है जो कि लवणीय झील है? वो आपकी है सांबर झील, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गोदावरी। इस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। ये सबसे बड़ी नदी है और इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा यानी कि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षिप्त में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक, देखिए इसका उत्तर क्या है। कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत हो या कोई ऊंचा स्थान हो जो दो पड़ोसी अवबाह द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, जल विभाजक ऐसा क्षेत्र जो कि जल का विभाजन कर दे, मतलब जो दो पे दो अलग अलग अवबाह द्रोणियों को, अवबाह तंत्रों को अलग अलग कर देता है, उसे कहा जाता है जल विभाजक। अब वो पर्वत भी हो सकता है या कोई उच्च भूमि हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। उदाहरण के लिए गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के बीच में जो उच्च स्थान है वो उनके लिए जल विभाजक का काम करता है, जो कि अम्बाला के निकट है। अम्बाला इसी के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? इसका उत्तर क्या होगा? गंगा नदी की द्रोणी जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, भारत में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी द्रोणी। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा अवबाह तंत्र किस नदी का है? तो उत्तर क्या होगा आपका? गंगा नदी का, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? इसका उत्तर होगा, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है जो हिमालय के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए किसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये दोनों ही मुख्य धारा हैं गंगा नदी की और ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत के क्षेत्र में सिल्ट यानी कि गाद कम क्यों पाई जाती है जबकि यहाँ पर उसकी धारा बहुत लंबी है? तो इसका आंसर क्या होगा, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। वो तिब्बत क्या है? शीत और शुष्क क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर वर्षा कम होती है। इस कारण से वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जल एवं में वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के जल में नदी में क्या होता है, जल एवं गाद दोनों की मात्रा बहुत कम है। मतलब वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जल भी कम होता है और
गाद भी वहाँ पर कम होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो कौन सी प्रायद्वीप की नदियाँ हैं जो कि गर्त में बहती हैं, गर्त मतलब दो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में जो स्थान होता है, उनमें से जो कौन सी नदियाँ हैं जो ऐसी पहाड़ियों के बीच से बहती हैं, हमें उनका नाम बताना है, और जब वो समुद्र में मिलती हैं तो किस प्रकार की आकृति बनाती हैं, ये भी लिखना है। इसका उत्तर देखिए, नर्मदा एवं तापी नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती हैं, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा और तापी। तापी को मध्य प्रदेश में ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, तो नर्मदा एवं तापी नदियाँ ऐसी हैं जो कि गर्त से होकर बहती हैं, और जब ये समुद्र में मिलती हैं तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख। ये मैंने आपको बताया था कि ज्वार नदमुख क्या होता है, जब नदी समुद्र में सीधे ही मिल जाती है, एक धारा एक मुख्य धारा के रूप में सीधे ही मिल जाती है, उस आकृति को ज्वार नदमुख कहते हैं, और जब नदी बहुत सारी धाराओं में बटकर समुद्र में मिलती है तो उसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो कि गर्त में बहती हैं, और जब ये समुद्र में मिलती हैं तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न है, नदियों एवं झीलों के आर्थिक महत्व को बताएं, कि नदियों का और झीलों का आर्थिक महत्व क्या है, ये हमें लिखना है। ठीक है, देखिए क्या होता है दोनों का महत्व। उत्तर हमारा होगा, नदियों का आर्थिक महत्व, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। तो जल महत्वपूर्ण संसाधन है, हम सभी जानते हैं कि जल तो जीवन है, इसके बिना मानव का जीवन संभव ही नहीं है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। हमारे कोई भी मानव का क्रियाकलाप हो, जैसे कि हमें बहुत से काम होते हैं, उनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, हमारे दैनिक कार्यों के लिए भी, पीने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, और हम कोई भी काम करें, कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव के अन्य क्रियाकलापों के लिए भी अनिवार्य होता है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है, वहाँ सिंचाई, नाव संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। तो भारत जैसा देश जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि जल पर निर्भर होती है, तो इसलिए नदियों का महत्व, जल का महत्व, नदियों का महत्व भारत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे ही हम सिंचाई करते हैं और उनमें नाव संचालन भी होता है। ठीक है, और जल विद्युत निर्माण भी हम इन नदियों के द्वारा करते हैं। यही नहीं, भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में हमारे लिए नदियों का विशेष महत्व है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस कारण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन हमें चाहिए उनकी प्राप्ति हम बिना जल के नहीं कर सकते, और इतनी बड़ी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराना भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए जल हमारे लिए, नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला है झील, झीलों का क्या महत्व है। तो झीलें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इनके किनारे अनेक पर्यटक स्थल तैयार किए जाते हैं, इनके द्वारा नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों से धन का अर्जन होता है। इनके किनारे बहुत सारे क्षेत्र बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए और नौकायान करते हैं, तैराकी की प्रतियोगिता होती हैं, और भी बहुत सारे जलीय खेल होते हैं। इनसे क्या होता है, धन का अर्जन होता है। धन का अर्जन का मतलब है धन कमाना। ठीक है, तो उससे पैसा आता है। राजस्थान की सांभर झील जो कि एक लवण वाली झील है, तो राजस्थान में झील है सांभर झील, वो क्या है, लवण वाली झील है, अर्थात खारे पानी की झील है, और इसके जल का उपयोग नमक के लिए किया जाता है। वहाँ पर क्या बनता है, नमक बनता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो झीलों से क्या होता है, नमक भी बनता है। कहाँ पर, राजस्थान में सांभर झील के जल से नमक बनता है, और अन्य जो झीलें हैं उनका उपयोग हम जल विद्युत पैदा करने के लिए भी करते हैं। झीलों में मछली पालन भी होता है और अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी हैं। ठीक है, तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करती हैं। तो ये झीलों का
आर्थिक महत्व है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। मतलब कुछ झीलें दी गई हैं, हमें ये बताना है कि ये झील प्राकृतिक है या मानव निर्मित, क्योंकि झीलें दोनों प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। तो झीलों के नाम देखिए कौन कौन से हैं, बूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताल, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर और हीराकुंड झील। ये कुछ झीलें हैं जिन्हें हमें बांटना है कि कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी प्राकृतिक। देखिए उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर है, इनमें हमने एक सारणी बना ली है, अलग अलग उसके उत्तर लिखे हुए हैं कि प्राकृतिक झील कौन सी है, मानव निर्मित झील कौन सी है। तो देखिए प्राकृतिक झील कौन सी है, बूलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर और पुलिकट। ये कुछ क्या हैं हमारी, ये हमारी प्राकृतिक झीलें हैं। और मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ये सभी मानव के द्वारा बनाई गई झीलें हैं। वास्तव में सभी क्या हैं, बांध हैं। तो जो बांध होते हैं वो भी एक प्रकार से झील ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। जो नदियां हिमालय में बहती हैं और जो नदियां प्रायद्वीप में बहती हैं उनमें कुछ अंतर होते हैं, तो हमें उन्हीं अंतरों को लिखना है कि उनमें क्या अंतर होता है। देखिए हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियाँ, इस प्रकार आपको एक सारणी बना लेना है और उसमें लिखना है। पहला है, अधिकतर हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है। पहला पॉइंट क्या है कि हिमालय की अधिकतर नदियां क्या हैं, बारहमासी हैं। बारहमासी का मतलब है कि इनमें 12 महीने पानी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है, एक तो बरसात से मिलता है और दूसरा इन्हें पानी मिलता है हिम के पिघलने से, ऊंचे पर्वतों पर जो बर्फ जमी है उसके पिघलने से इन्हें पानी मिलता है, इस कारण से इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, अब प्रायद्वीप की नदियाँ, इनमें क्या होता है, अधिकतर प्रायद्वीप की नदियाँ बरसाती हैं, मतलब ये सीजनल होती हैं, मतलब जब वर्षा होती है, जब बरसात का सीज़न होता है तो इनमें पानी होता है, और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो बहुत जल्द इनका पानी, इनका जल सूख जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है, अगर बारिश अच्छी होती है तो प्रायद्वीपीय नदियों में अच्छा पानी होता है, और बारिश अच्छी नहीं होती है तो फिर पानी की मात्रा कम होती है। ये पहला अंतर हो गया। अगला है, हिमालयी नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा है, मतलब हिमालय की जो नदियां हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, वो हिमालय से जहाँ से निकलती हैं वहाँ से लेकर समुद्र में जहाँ पर मिल जाती हैं वहाँ तक उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा तथा छिछला होता है। छोटा मतलब मार्ग छोटा है, और छिछले का मतलब है उनमें गहराई भी कम होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो उनका मार्ग छोटा है, उनकी लंबाई कम है। अब देखिए, हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। हिमालय की जो नदियां हैं वो पर्वत श्रृंखला के उत्तर से निकलती हैं, आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही। ठीक है, अब प्रायद्वीप में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, अब इनका फोर्थ अंतर है, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाजरानी यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों को चलाने का जो कार्य होता है उसको जहाजरानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर के मैदानों में बहती हैं और सिंचाई के लिए भी, खेती के लिए और जहाज़ों के चलाने के लिए भी अनुकूल होती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए ये ना तो जहाजरानी के लिए और ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त, जहाज लाने के लिए तो वे के लिए तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये नदियाँ बिल्कुल समतल मैदानों में नहीं बहती हैं ना, बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में निकल के बहती है, और पहाड़ियों के बीच में हम जहाज़ कैसे चला पाएंगे, तो वहाँ पर जहाज़ चलाना संभव नहीं होता। ठीक है, अब पांचवा अंतर है, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं,
ना, इन नदियों के अंत में क्या बनता है, डेल्टा बनता है। हिमालय की जितनी भी नदियां हैं जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या, इनके जो डेल्टा होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये क्या बनाती हैं, अधिकतर ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न हुआ पूरा। अगला प्रश्न हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अभी हमने तुलना की थी हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। अब हमें तुलना करना है कि प्रायद्वीप पठार में पश्चिमी घाट से निकलने वाली उन नदियों की तुलना करना है कि जो पूर्व की तरफ बहती हैं और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में क्या अंतर है, ये हमें इसका अध्ययन करना है, ये हमें लिखना है। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य अंतर इस प्रकार है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इस प्रकार से आप अलग अलग कॉलम बना लेना। पहला है, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। और इधर देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती या तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। ये दोनों ही बड़ी बड़ी नदियां हैं और मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो सब कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वे सभी अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला देखिए, इन नदियों का अवबाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। तो जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं उनका अवबाह तंत्र बड़ा होता है और विकसित भी होता है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का अवबाह तंत्र विकसित नहीं होता और उनकी सहायक नदियां भी आकार में छोटी हैं। इनकी नदियां भी छोटी हैं, इनकी सहायक नदियां भी छोटी हैं और ये स्वयं भी अपने आप में छोटी छोटी नदियां हैं। इस कारण से इनका अवबाह तंत्र इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हैं, है ना, और जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, इस कारण से कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। ठीक है, अगला है, ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो जो आपकी प्रायद्वीप की नदियां हैं वो डेल्टा भी बनाती हैं और ज्वार नदमुख भी बनाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है, वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये हमें लिखना है। ठीक है, देखिए लिखते हैं इसका उत्तर, नदियों का देश की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्व है। पहला है, पीने के जल की प्राप्ति। तो प्राचीन काल में नदियों से ही पीने के लिए जल प्राप्त किया जाता था। आज भी अनेक गांवों तथा नगरों में इस आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नदियों द्वारा ही की जाती है। तो जल मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है ना, और यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है पीने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, नदियों से होती है। हम नदियों के जल को पीते हैं, पहले भी पीते थे और अभी भी बहुत सारे नगरों और गांव में पीने के लिए जो जल है वो नदियों से ही प्राप्त होता है। इसलिए इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, नदियों से होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जल का, ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान है नदियों का देश की अर्थव्यवस्था में। अगला है, सिंचाई सुविधा। भारत की नदियाँ सदावाहिनी हैं, मतलब हमेशा बहती हैं, अतः इनसे नहरें निकालकर सिंचाई की सुविधाएं जुटाई जाती हैं। नहरें भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं, जिनसे देश की 45% भूमि सींची जाती है। अगला, नदियों का जो महत्व होता है हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, कि नदियों से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के लिए हमें जो पानी मिलता है वो नदियों से ही मिलता है, क्योंकि भारत में जो मानसून होता है वो आहिस्ता है, कभी बारिश अच्छी होती है तो कभी बारिश कम होती है। इस कारण यहाँ की जो कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है, लेकिन मानसून कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता। इस कारण से हमें सिंचाई के लिए नदियों
का उपयोग करना ही पड़ता है, इसलिए भी नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सारी नदियों पर अनेक बांध बनाए हैं, उनसे नहरें निकाली हैं जिससे कि हम सिंचाई कर सकें, तो नदियाँ सिंचाई के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगला है उपजाऊ मृदा का निर्माण। भारत की नदियाँ पर्वत से उपजाऊ मृदा बहाकर लाती हैं तथा इस मृदा को मैदानी भागों में बिछाकर उपजाऊ मृदा का निर्माण करती हैं। भारत की नदियाँ जो होती हैं वो पर्वतों से निकल कर आती हैं, हिमालय पर्वत से निकल कर आती हैं भारत की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, और अपने साथ में उपजाऊ मृदा उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं और इस मिट्टी को मैदानी भागों में वो बिछा देती हैं, उसका निक्षेपण होता है, वहाँ पर वो मिट्टी जम जाती है, इससे क्या होता है काप मृदा का निर्माण होता है और जो मैदान बनते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यह उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अत्यंत ही उपयोगी और आवश्यक होती है। ठीक है, अगला है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। उत्तर भारत की नदियों पर बांध बनाकर तथा दक्षिण भारत की नदियों के प्राकृतिक प्रपातों पर जल विद्युत बनाई जाती है। जल विद्युत ने उद्योग धंधों के विकास में बहुत ही सहयोग दिया है। जल विद्युत बनाने का काम नदियों पर बांध बनाकर भी किया जाता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उन पर बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है और दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियों पर भी बांध बनाकर और उनके प्राकृतिक जलप्रपातों पर भी जल विद्युत बनाई जाती है, तो नदियों से हमें जल विद्युत प्राप्त होती है और जल विद्युत ने उद्योग धंधों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अगला है बालू की प्राप्ति। बालू की प्राप्ति कहाँ से होती है? नदियों के किनारों पर बालू पाई जाती है। इस बालू का प्रयोग भवन निर्माण व कांच उद्योग में भी किया जाता है, तो हमें नदियों से रेत भी प्राप्त होती है जो भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ, तो ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब आप इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और मुझे उसके फ़ोटो खींच कर भी आप भेजेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पर आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।